हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। एम आई ऑडिबल टू यू? हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। ओके, हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। और इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एकेडमी, आज का जो हमारा क्लास है वो है वेरियस एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स पे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे एटकिंसन साइकिल, इरिक्सन साइकिल, लिन्योर साइकिल। तो स्टिर्लिंग साइकिल पहले हम कवर करेंगे, देन वी आर गोइंग टू कवर इरिक्सन साइकिल, देन वी आर गोइंग टू कवर अ एटकिंसन साइकिल, एंड देन वी आर गोइंग टू कवर अ, ठीक है, लिन्योर साइकिल। इसके साथ साथ फिर हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे एटकिंसन, लिन्योर, इरिक्सन, कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लासेस। वेलकम यू ऑल ऑन योर लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑन अकेडमी। दिस इज योर शकील पठान। इट इज माई इंट्रोडक्शन। आई एम हैविंग 8+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई एम एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर गेट इन एसी क्लासेस एंड वर्क एज अ सीनियर फैकल्टी इन मेनी रेप्यूटेड स्कूल अक्रॉस इंडिया एंड मेंटर 100K+ स्टूडेंट अक्रॉस इंडिया। ओके, इट्स अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस एंड दिस इज माई सब्जेक्ट विच आई विल टेक। मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज चल रहा है ऑन अकेडमी, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको 10,000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कराए जाएंगे। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ कोड पठान। तो आप पठान कोड अप्लाई करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी जो न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी है और जो आपका डेप्थ है, इन डेप्थ कंसेप्ट है, वो काफ़ी आपके इंप्रूव हो जाते हैं। और ये जो मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस सीरीज बनाया है वो हमारी टॉप एजुकेटेड टीम ने बनाया है, जिसको आप यहाँ पर ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। इवॉल्व बैच आज से नया बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच नंबर M है। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं। अभी ऑफर भी चल रहा है कि अगर आप एक मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में, एक ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलता है, और 24 मंथ का लेते हैं तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। ये ऑफर ऑलरेडी चल रहा है तो आप इसको अभी से अवेल कर सकते हैं। ओके, और लिमिटेड पीरियड तक के लिए ही ऑफर वैलिड है, आज तक के लिए ही केवल ये ऑफर वैलिड है, इसके बाद ये होगा नहीं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसका आपका सिलेबस जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए। अगर आपको अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप अनअकैडमी ऐप पर जाइए, वहाँ पर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे। और जैसे ही आपका फीस ऑप्शन खुलेगा तो वहाँ आप ये कोड अप्लाई करेंगे, चाहे आप फीस का कोई भी मोड रखिए। अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं आप किसी भी मोड से फीस पे कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड। EMI ऑप्शन भी है, UPI है, वॉलेट्स है, नेट बैंकिंग है, एवरी ऑप्शन इज अवेलेबल। तो आप जैसे ही ये कोड अप्लाई करते हैं पठान, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है और फीस ऑटोमेटिकली आपकी रिड्यूस हो जाती है। अगर आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं अनअकैडमी की तो आपको यहाँ पर कॉइन्स भी मिलते हैं, जो कि क्रेडिट कॉइन्स होते हैं, या आपकी अर्निंग होती है व्हेन यू सी द क्लासेस, स्पेशल क्लासेस। तो आप इसको रिडीम कर सकते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा। अब आपके पास 2 तरह के सब्सक्रिप्शन होते हैं, आइकोनिक और प्लस। तो प्लस में आपको मिलता है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, इंग्लिश हिंदी बैचेस और रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस। इसके साथ साथ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको और एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर और पर्सनल टेस्ट नॉलेज और स्टडी मटेरियल भी आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलता है। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन से कंपेयर करें तो। तो जो स्टूडेंट अभी कॉलेज में है जिनको कंप्लीट गाइडेंस की जरूरत है टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जामिनेशन, तो वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और जो पहले से थोड़ा बहुत पता है जिनको, वो आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप कोर्स की फीस की बात करें तो 12 मंथ का चार्ज पड़ता है 30,250 रुपीज़ और 24 मंथ के लिए 44,000 रुपीज़। पर जैसे ही आप पठान कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% यहाँ पर रिड्यूस मिलेगा। तो आप यहाँ पर पठान कोड लिख दीजिए और प्रोसीड टू पे जैसे ही करेंगे आपका फीस जो है कम हो जाएगा ऑटोमेटिक। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अगर आप चार्जेस देख सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर भी पठान कोड अप्लाई करेंगे तो ये फीस कम हो जाएगा। EMI में भी आप इसको ले सकते हैं, तो ये EMI आपको दे रखी है यहाँ पर। और EMI जो है वो नो कॉस्ट EMI, मतलब आपको चलिए। और ज़रा आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप अनअकैडमी का कॉम्बैट टेस्ट दे सकते हैं, जिससे कि आप अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप जीत सकते हैं। ओके, शतक, आपने ये क्वेश्चन चैट टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछा था और मैंने इसका आंसर दिया था कि अगर हमारा सेम कंप्रेशन, आप ये कहना चाह रहे हो कि सर चैट कहाँ चला गया? शतक, आर यू देयर? चलिए,
सो आज का लेक्चर की शुरुआत करते हैं फिर, शायद है नहीं आज, तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। चलिए, यस वेरी गुड बेटा। तो देखिए शतक जो क्वेश्चन पूछ रहा है, शतक बोल रहा है कि सर अगर हमारा सेम कंप्रेशन रेशियो हो और सेम हीट रिजेक्शन हो तो सर किस साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। माय डियर फ्रेंड, सपोज मैं यहाँ पर टीएस डायग्राम बनाता हूँ, सेम कंप्रेशन रेशियो, इसका मतलब वन एंड टू प्रोसेस विल बी सेम फॉर ओटो एंड डीजल साइकिल। अब अगर हम सेम हीट इनपुट करेंगे तो क्या हो, सॉरी सेम हीट रिजेक्शन की बात कर रहे हो, तो ये हमारी होगी कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल और ये हमारी होगी कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। एंड इसके बाद क्या होता है, एक्सपेंशन होगा, तो दिस विल बी योर एक्सपेंशन। एंड यू वांट टू टेल मी कि सर हीट रिजेक्शन का प्रोसेस जो है, मतलब हीट रिजेक्शन दोनों साइकिल में सेम है, इसका मतलब ये होगा कि जो साइकिल के नीचे का एरिया है वो दोनों के लिए कॉमन होगा। इसका मतलब ये फॉर डीजल साइकिल एंड ऑटो साइकिल, साइकिल के नीचे का एरिया क्या होगा, सेम होगा ना सतह, साइकिल के नीचे का एरिया क्या होगा, सेम होगा अगर सेम हीट रिजेक्शन हो रहा है ऑटो एंड डीजल में। तो आप एक चीज़ गौर क्या यहाँ पर कर रहे हो क्या, वो गौर आपका ये होगा कि आप देख सकते हो कि किस साइकिल का एरिया ज़्यादा आ रहा है, ऑटो का या डीजल का। सही है, एरिया सबसे ज़्यादा किसका आ रहा है, ऑटो का या डीजल का। सर इट इज़ अ ऑटो साइकिल एरिया, तो इसका मतलब अगर हमारा सेम हीट रिजेक्शन होता है तो ऑटो साइकिल में हमें वर्क आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है, ऑटो साइकिल में हमें वर्क आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है। और अगर ऑटो साइकिल में वर्क आउटपुट हमें ज़्यादा मिल रहा है, इसका मतलब ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी डीजल साइकिल से क्या है, ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? सो उस वाली कंडीशन में भी ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी डीजल साइकिल से ज़्यादा होगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था, अगर जब भी कंप्रेशन रेशियो सेम करता है और बाकी कोई भी अगर आपको कंडीशन दे रहा है, सो उस कंडीशन में ऑटो साइकिल की एफिशिएंसी डीजल साइकिल से ज़्यादा होती है। इज दैट क्लियर नाउ? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अर्नव, आरव, या इट इज क्लियर नाउ? शतक, चलिए नाउ वील टॉक अबाउट द साइकिल। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टिलिंग साइकिल की। तो पहली बात तो होता है कि स्टिलिंग साइकिल या इरिक्सन साइकिल, इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कार्नोट साइकिल मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को क्लियर है कि कार्नोट साइकिल क्या होती है। कार्नोट साइकिल वो साइकिल होती है जो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सिबल होती है। बचपन से हम थर्मोडायनेमिक्स में कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ते आए हैं कि कार्नोट साइकिल इज द एफिशिएंट साइकिल वगैरह वगैरह वगैरह। तो कार्नोट साइकिल के बारे में आप जानते हो कि कार्नोट साइकिल साइकिल होती है जिसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, दो आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस, टू आइसोथर्मल एंड टू आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस देयर इन केस ऑफ कार्नोट साइकिल। सो माय डियर फ्रेंड, कार्नोट साइकिल को अगर हम बनाते हैं, दो मिनट मुझे पेज ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, सो अगर हम लोग कार्नोट साइकिल को ड्रॉ करें तो कार्नोट साइकिल के अंदर हमारे पास क्या होता है, कार्नोट साइकिल के अंदर हमारे पास दो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं, टू आइसोथर्मल एंड टू आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं। अब अगर हम कार्नोट साइकिल का पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, गुड इवनिंग अरविंद, व्हेन वी ड्रॉ द पीवी डायग्राम फॉर द कार्नोट साइकिल, द पीवी डायग्राम विल बी लुक लाइक दिस, दिस विल बी द पीवी डायग्राम फॉर द कार्नोट साइकिल। सो इन दिस पीवी डायग्राम द एरिया ऑफ दिस डायग्राम और एरिया ऑफ दिस साइकिल विल बी वेरी वेरी स्मॉल। सो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ द कार्नोट साइकिल इज, इन द कार्नोट साइकिल the W net we are getting is very very small but efficiency is highest. So when we are using a Carnot cycle for any power plant we will get a highest efficiency but the net work output will be very very small. So what will be the practical problem with the Carnot cycle is that when we use a Carnot cycle the net work done will reduce which basically increase your power of plant size.
सो इफ यू आर यूजिंग अ कार्नोट साइकिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी द साइज ऑफ द पावर प्लांट विल बी वेरी वेरी हाई बिकॉज द नेट आउटपुट ऑफ द वर्क डन और नेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विल बी वेरी लो एंड टू जनरेट अ अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यू रिक्वायर अ लार्ज पावर प्लांट सो द वाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द कार्नोट साइकिल इज दैट कि इट हैज अ हाइएस्ट एफिशिएंसी नो डाउट बट द प्रॉब्लम विद इट इज दैट द नेट वर्क डन इज वेरी वेरी स्मॉल और इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ द कार्नोट साइकिल इज वेरी वेरी स्मॉल and that's why it's have very very small network output. What is the Carnot cycle? Okay, yeah, Carnot cycle is a cycle in which we have a four processes. If I want to go in the detail, Carnot cycle is the cycle which proposed by the Carnot. You know that बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि Carnot ने एक cycle को propose किया था जिसको हम Carnot cycle कहते हैं. ठीक है, क्या कार्नोट ने बनाई थी वो साइकिल? नहीं, कार्नोट ने नहीं बनाई थी साइकिल, किसी और ने बनाई थी, उसका नाम हम लोग कार्नोट कहते हैं. कार्नोट ने वो साइकिल नहीं बनाई थी. अब इस साइकिल का जो बेसिस था वो क्या था वो मैं आपको बता रहा हूँ. व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दिस साइकिल? चलिए, अगर आप जानना चाहते हो तो आई विल एक्सप्लेन व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द कार्नोट साइकिल. आई विल एक्सप्लेन हाउ दिस कार्नोट साइकिल विल कम, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दैट कार्नोट साइकिल. ओके, सो इफ यू इंटरेस्टेड टू नो आई विल टेल यू. If you are not interested, then there is no problem. Okay, I will move forward. I just explained what is the cycle. Okay. If you are interested in the history, I will go in the history. देखिए, you know that कहानी क्या होती है. चलो मैं बता ही देता हूँ. Yes sir. So मैं चलो बता ही देता हूँ. कहानी ये है कि जब Carnot cycle develop हुई, आप लोगों ने सबने सुना होगा कि Carnot is the father of the thermodynamics. And Carnot develop, Carnot ने कार्नोट साइकिल बेसिकली डेवलप नहीं की थी, डेवलप किसी और ने की थी. बट प्रॉब्लम कार्नोट के साथ ये थी, व्हेन कार्नोट स्टडी द थर्मोडायनेमिक्स, कार्नोट ने जब 24 पेज की बुक लिखी थी जिसको आप बाद में थर्मोडायनेमिक, जिसकी हेडिंग थी पावर ऑफ हीट. ओके, सो दैट बुक के अंदर वो हीट को क्या मानता है, ही एक्सप्लेन दैट हीट इज जस्ट अ कैलोरीफिक फ्लूइड. उस समय तक जो कैलोरीफिक थ्योरी थी हीट की वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती थी. द कैलोरीफिक थ्योरी ऑफ हीट इज डोमिनेट वेरी 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 हाईली. सो उस समय तक जो सबसे बड़े साइंटिस्ट थे जिनका नाम जोसेफ ब्लैक था, तो वो बहुत बड़े केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, तो उनकी वजह से उन्होंने कैलोरीफिक थ्योरी दी थी एंड दैट कैलोरीफिक थ्योरी एक्चुअली डोमिनेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. सो अकॉर्डिंग टू कैलोरीफिक थ्योरी हीट इज जस्ट अ फ्लूइड. According to Kelvin theory, heat is just a fluid. And that's why in the fluid also, the rate of flow of fluid you represented by the Q. And similarly, in the heat, you represented by the Q sign. So heat also represented by the Q sign and the fluid also represented by the Q sign. So in that particular time, they are assuming heat is a Kelvin fluid. Okay, like just like a water, just like any other fluid. So heat is just like any other fluid. And as the water flow, yeah, as the liquid flow from higher height, higher potential energy to lower potential energy, similarly, heat also flow from the higher temperature bodies to a lower temperature body. That was the concept of this theory. So heat will always flow from the higher temperature body to lower temperature body because it's just a fluid. So as the water, as the, any liquid flow from the higher height to lower height, similarly, heat also flow from the higher temperature body to the lower temperature body. That was the Kelvin theory of fluid, yeah, heat. And in that particular time, when they are assuming heat is a fluid, so they assume certain capacity will be there for a सॉलिड सिस्टम. तो यहाँ पर क्या होगा, जब वो हीट को एक फ्लूड मान रहे हैं तो ये भी मान रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमें गिलास में पानी भरना है तो हमारे पास कभी किसी कई तरह के गिलास हो सकते हैं. एक बड़ा गिलास भी हो सकता है, एक छोटा गिलास भी हो सकता है. तो बड़े गिलास की कैपेसिटी क्या रहेगी, कम रहेगी. बड़े छोटे गिलास की कम रहेगी और बड़े गिलास की कैपेसिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी. तो अगर हम इसके अंदर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर को पोर करते हैं, डालते हैं, व्हेन वी फिल अ सेम अमाउंट ऑफ वाटर, व्हाट हैपन, कितना लेवल राइज होगा, दैट डिपेंड ऑन देयर, कितना पोटेंशियल हेड राइज होगा वो किस पे डिपेंड करता है, देयर कैपेसिटी पे डिपेंड करता है. सो दिस कैपेसिटी विल डिटरमाइन हाउ मच पोटेंशियल, हाउ मच वाटर लेवल विल राइज इन दिस ग्लासेस.
इफ यू आर पोरिंग द सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड तो हाउ मच वाटर हाइट विल राइज इट डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ योर कंटेनर. सो वॉट सिमिलरली दे एक्सप्लेन दैट when you supply heat to any body like solid, liquid and gas, whatever the body it is, so when you supply heat to a body, what happen body has certain capacity to store that heat. So whatever the temperature rise, it will depend on that capacity of the body. So if the body having a higher capacity to store the heat, the temperature rise will be less. Agar body ki capacity zyada hogi स्टोर करने की हीट को तो टेम्परेचर राइज कम होगा, अगर कैपेसिटी कम है तो टेम्परेचर राइज ज़्यादा होगा. जैसे कि अगर स्टील को गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगी और अगर लकड़ी को गर्म करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा. इसका मतलब लकड़ी की हीट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है और वाटर की या स्टील की हीट कैरिंग कैपेसिटी कम है. सो दैट इज द कॉमन कंसेप्ट. सो हीट का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, कैपेसिटी ऑफ एनी बॉडी अपॉन डेल्टा टी. एंड दिस केस व्हाट हैपन In this case, अब ये जो C है that depend on the mass, because as the mass increases, the capacity also increases. जितनी ज़्यादा body बड़ी होगी उतना ही ज़्यादा आप उसके अंदर heat रख सकते हो. तो यहाँ से concept ये आया कि अगर हम इसको mass से divide कर दें तो ये specific हो जाएगा, specific capacity हो जाएगा. तो फिर formula Q का यहाँ से क्या आया, एम सी डेल्टा टी, एंड सी इज स्मॉल सी विच इज नॉन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. See small c which is known as specific heat capacity. So it is known as specific heat capacity. So it was very simple. तो ये concept था. अब इसका मतलब आप समझ गए हो कि उस समय तक क्या मान रहे थे, they were assuming heat as a calorific fluid and heat always flow from higher temperature body to lower temperature body. So at that particular time Carnot assumed one thing कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वाटर है, उस समय वाटर व्हील आ चुका था, वाटर व्हील डेवलप हो चुका था और वाटर व्हील का कंसेप्ट क्या था कि किसी हायर हाइट से जब पानी लोअर हाइट की तरफ फ्लो करता है और जब वो वाटर व्हील पे गिरता है तो वाटर व्हील रोटेट करता है. अब जितना ज़्यादा इसका लेवल डिफरेंस होता है इन दोनों रिजर्वायर का, पानी जहाँ से आ रहा है और जहाँ पर गिर रहा है, जितना ज़्यादा लेवल डिफरेंस होगा उतना ही ज़्यादा आप यहाँ से वर्क प्रोड्यूस कर सकोगे, यू कैन प्रोड्यूस अ मोर वर्क. सो सिमिलर कंसेप्ट से कार्नोट ने कहा कि चूंकि हीट जो है एक कैल्फिक फ्लूड है तो हम यहाँ पर जो साइकिल से बनाते हैं ना वो टर्बाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाता है वो, और ये बोलता है कि सपोज हीट जो है किसी ऐसी बॉडी में भरी है जिसमें बहुत सारी हीट है, अगर वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ गिरती है, इफ़ यू फॉल फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, तो वह एक तरह की साइकिल को रन करेगी एंड दिस साइकिल विल जनरेट अ वर्क आउटपुट. तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, वर्क प्रोड्यूस होगा. जैसे वाटर व्हेन फॉल डाउन फ्रॉम द हायर हाइट टू लोअर हाइट एंड व्हेन वी इंस्टॉल सम वाटर व्हील, सो व्हाट हैपन, वाटर विल फॉल ऑन द वाटर व्हील एंड इट विल रोटेट द वाटर व्हील, सो वी आर गेटिंग अ वर्क आउटपुट. सिमिलरली व्हेन हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सो वी विल गेट अ वर्क आउटपुट. सो दैट वॉज द कंसेप्ट गिवन बाय द Calorific theory. So this concept actually used by the Carnot and calorific theory concept used by the Carnot, and the Carnot give the famous theory is that case famous theory that the heat is basically, so this is the reservoir concept. Why we said the reservoir, because you know that a body which having a infinite amount of liquid is known as a reservoir. Similarly a body having an infinite amount of heat is known as a reservoir. So whatever amount of heat you pull down from the body like surrounding like river, so the temperature level temperature will not drop. तो क्या होता है, रिजर्वायर का कंसेप्ट यहाँ से आया कि भाई समुद्र में दो मग्गे पानी डाल दोगे तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा नहीं. सिमिलरली ऐसी बॉडी जिसमें से अगर थोड़ा सा तुम हीट निकाल रहे हो तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, उसको क्या कहेंगे, रिजर्वायर. जैसे सन है, सन से हीट निकाल रहे हो लेकिन सन का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या है, रिजर्वायर है. एटमोसफेयर में हीट डाल रहे हो लेकिन एटमोसफेयर का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो वो क्या है, रिजर्वायर है. तो रिजर्वायर का कंसेप्ट क्या आया कि भाई जितना ऐसी बॉडी जिसमें जितना हीट निकाल सको डाल सको बट उनके अंदर टेम्परेचर वेरिएशन नहीं होता तो दैट बॉडी इज नोन एज अ रिजर्वायर. तो ये कंसेप्ट आता. अब इस कंसेप्ट में कार्नोट ने क्या दिमाग लगाया, बहुत सिंपल सा दिमाग था कि देखिए व्हेन यू आर टेकिंग हीट द रिजर्वायर हैविंग अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि हम हीट कहां से ले रहे हैं,
रिजर्वायर से ले रहे हैं तो रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और अगर रिजर्वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन प्रोसेस या हीट एडिशन प्रोसेस हो रहा है। यहां पर हम साइकिल में कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट ऐड कर रहे हैं, तो एक प्रोसेस ये हो गया। उसके बाद अगर ये जो पाइप है इसमें हीट फ्लो कर रही है, लेकिन इस पाइप के अंदर जो भी हीट बीच में अगर सराउंडिंग में लॉस नहीं होती है, इसका मतलब कैसा प्रोसेस होगा, कैसा प्रोसेस होगा, आइसेंट्रॉपिक होगा। इसका मतलब अगर हीट लॉस नहीं होती तो कैसा प्रोसेस होगा, एडियाबेटिक। अब सोचो सिमिलरली, इसको सिंपल कॉन्सेप्ट से समझो कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर बहुत बड़ा रिजर्वायर है और यहाँ पर लोअर रिजर्वायर है। यहाँ से पानी इस व्हील पर गिरता है ना, अगर यहाँ से पानी इस व्हील पे गिरता है तो जो पानी इस यहाँ से आएगा तो इस रिजर्वायर में पानी का लेवल चेंज नहीं होगा, क्योंकि रिजर्वायर बहुत बड़ा है। तो अगर रिजर्वायर में पानी का लेवल चेंज नहीं हो रहा तो यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो कॉन्स्टेंट हाइट पर निकल रहा है। इसका मतलब तो पहला प्रोसेस जो आइसोथर्मल होता है वो यहां से आता है कि हीट एडिशन इन द साइकिल इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके बाद यहां से होता है कि अगर हम पाइप के थ्रू हीट आ रही है या पाइप के थ्रू पानी आ रहा है और अगर यहां से कोई लीक हो जाए, यहां से वो हीट लीक हो जाए या पानी लीक हो जाएगा, तो जितना पानी यहां पर स्ट्राइक करना चाहिए था उतना पानी नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, वर्क आउटपुट कम हो जाएगा। तो सेकेंड कंसेप्ट की प्रोसेस मस्ट बी एडियाबेटिक। थर्ड कंसेप्ट कि भाई यहाँ पर दूसरा प्रोसेस भी एडियाबेटिक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी यहाँ पर भी लीक कर गया तो हमें, तो ये कंसेप्ट यहाँ से आए थे। तो इस तरह से कार्नोट थ्योरी डेवलप की गई थी। ओके, सो कार्नोट के अंदर होता क्या है, कार्नोट के अंदर वेरी सिंपल कंसेप्ट कि कार्नोट के अंदर हम लोग साइकिल के अंदर अगर हम टी एस डायग्राम लें तो कार्नोट इज अ साइकिल वेयर वी आर अज्यूमिंग टू इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मीन्स वी आर टेकिंग हीट फ्रॉम अ higher temperature body and we are rejecting heat from our lower temperature body and one is the compression, one is the expansion process, and expansion and the compression is the isentropic process. So here you are adding work and you are here you are getting work output. So this is the isentropic process, and though both video ruk raha hai kya yaar, video ruk ruk ke chal raha hai kya? There is any problem in the video, I think. Sorry, I have to okay, I am restarting the lecture, restart the lecture. Now, I am taking the यस हाँ, तो अब कहानी ये है कि सर पहली बात तो सर व्हाई दिस साइकिल इज नॉट पॉसिबल, सर दिस साइकिल दिस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल इज नॉट पॉसिबल। हाँ नाउ सर व्हाई इज अ कार्नोट साइकिल इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहला आंसर सर, कार्नोट साइकिल के अंदर जो दो प्रोसेस हैं, देर इज अ टू प्रोसेस कॉम्बिनेशन, वन इज कॉल्ड आइसोथर्मल, वन इज कॉल्ड एडियाबेटिक। सो माय डियर फ्रेंड व्हाट हैपन, लेट्स सी पिस्टन सिलेंडर इंजन, वी आर यूजिंग अ पिस्टन सिलेंडर इंजन। ओके, सो लेट्स अज्यूम वी आर यूजिंग अ पिस्टन सिलेंडर इंजन एंड दिस इंजन बेसिकली वर्किंग, हाइपोथेटिकली वी आर अज्यूमिंग दिस इंजन बेसिकली वर्किंग ऑन द कार्नोट साइकिल। तो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक पिस्टन सिलेंडर इंजन है और ये हाइपोथेटिकली कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहली बात कि जो कंप्रेशन होगा, जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक आएगा तो जो कंप्रेशन होगा वो कैसा होगा, द कंप्रेशन प्रोसेस विल बी क्या होगा, कंप्रेशन प्रोसेस यहां पर आइसेंट्रॉपिक होगा। तो आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन प्रोसेस करने के लिए पिस्टन को बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक बहुत हाई स्पीड से आना पड़ेगा, बहुत हाई स्पीड से यहां पर आना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस कि सर द हीट एडिशन मस्ट बी आइसोथर्मल। नेक्स्ट प्रोसेस सर, हीट एडिशन मस्ट बी आइसोथर्मल। सो सर, हीट एडिशन मस्ट बी आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल हीट एडिशन कब होता है, व्हेन देयर इज अ आइसोथर्मल हीट एडिशन, ओनली ओनली वन प्रोसेस,
जब फेस चेंज होता है तभी हमारा आइसोथर्मल हीट एडिशन होता है। अगर हमारा फेस चेंज होता है, व्हेन वी हैव अ फेस चेंज प्रोसेस, देन ओनली वी विल हैव अ आइसोथर्मल प्रोसेस, अदरवाइज वी डोंट हैव अ आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर किसी गैस में तुम हीट ट्रांसफर करोगे सो इट इज नॉट पॉसिबल, द गैस विल हैव अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। सो ओनली वन प्रोसेस प्रैक्टिकली नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ हीट एडिशन इज अ फेस चेंज प्रोसेस। सो माई डियर फ्रेंड, इफ यू वॉन्ट टू सप्लाई अ हीट आइसोथर्मली देन प्रैक्टिकली देर मस्ट बी अ फेस चेंज प्रोसेस, देर मस्ट बी अ फेस चेंज प्रोसेस, ओके, देर मस्ट बी अ फेस चेंज प्रोसेस। तो दैट मीन्स देर मस्ट बी अ लिक्विड, देर मस्ट बी अ लिक्विड, देर मस्ट बी अ लिक्विड। इसका मतलब तो ये हो गया कि यहां पर फेस चेंज प्रोसेस होना चाहिए। तो इसका मतलब यू व्हेन यू आर कंप्रेसिंग यू मस्ट कंप्रेस द लिक्विड, देन यू ऐड द हीट एंड दैट लिक्विड विल वेपोराइज, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। बट व्हेन यू वांट टू कंप्रेस अ लिक्विड, लिक्विड इज ऑटोमेटिकली इनकंप्रेसिबल, लिक्विड इज अ इनकंप्रेसिबल सब्सटेंस, यू कैन नॉट कंप्रेस अ लिक्विड। सो इफ यू फिल द लिक्विड एंड यू ट्राई टू कंप्रेस द लिक्विड, द पिस्टन विल नॉट गोज फ्रॉम द बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, बिकॉज लिक्विड इज नॉट गोइंग टू कंप्रेस एट ऑल, बिकॉज लिक्विड इज अ इनकंप्रेसिबल सब्सटेंस। सो फर्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, सो सपोज यू थॉट दैट सर आई एम यूजिंग अ गैस, सो आई कंप्रेस द गैस, सो व्हेन यू कंप्रेस द गैस एंड व्हेन यू सप्लाई द हीट, हाउ द गैस टेम्परेचर विल नॉट चेंज? When you supply the heat to the gas and when you compress the gas and you are supplying the heat, then gas temperature must change. That means it is not possible. If you are want to compress the liquid, liquid is not going to compress. So your piston will not come from the bottom dead center to top dead center. Are you getting my point? Are you getting my point? Are you getting my point? Because the practically one isothermal process of heat transfer is a phase change process only. So there is no possible. So what working fluid you will take to form a Carnot cycle? So that's why the Carnot cycle practically not possible. If it is practically possible, so also the work output of the Carnot cycle will be very, very small. And that's why you are not following the Carnot cycle actually. So my dear friend, what happened? वी ऑलवेज नॉट, एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि हम हमेशा कार्नोट साइकिल को ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि कार्नोट साइकिल में एफिशिएंसी तो मिलती है। देखो एक बात समझ में आ गई कि कार्नोट साइकिल अगर हम यूज कर रहे हैं तो वर्किंग फ्लूड हम क्या यूज करेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। तो ये जो टू कॉम्बिनेशन है प्रोसेस का, इसकी वजह से हम वर्किंग फ्लूड यहाँ पर चूज नहीं कर सकते। यस गैसेस कैन नॉट गोज आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल हीट एडिशन नहीं हो सकता गैस में, ऐसा नहीं हो सकता। यस कि अगर आप हीट दो तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, गैसेस में व्हेन यू गिव द हीट टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होता है। अगर लिक्विड में भी ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि वो फेस चेंज नहीं कर रहा, जब तक कि वो लिक्विड से वेपर नहीं बन रहा या वेपर से गैसेस नहीं बन रही, तब तक आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं रहता। इसीलिए कंडीशन है कि भाई या तो हम लोग लिक्विड यूज करेंगे, अगर हम लिक्विड यूज करेंगे तो लिक्विड को तो हम कंप्रेस कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लिक्विड तो इनकंप्रेसिबल होता है, और अगर लिक्विड यहां पर भर दिया तो पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहां तो वॉल दोनों ही क्लोज है अभी। ओके सो हिज आंसर्स आर सेमी सॉलिड। फर्स्ट ऑफ ऑल अरविंद, देर इज नो टर्म एज अ सेमी सॉलिड, ओके, कोई आधा अधूरा सॉलिड नहीं होता, देर इज नो टर्म इन द इंजीनियरिंग सेमी सॉलिड, ओके। ये कुछ गलत बुक्स होती हैं, देर इज रॉन्ग बुक्स, दे जस्ट सेड सेमी सॉलिड, देर इज नो टर्म, देर इज आर नोन एज सेमी सॉलिड। आई विल एक्सप्लेन, या तो कोई चीज सॉलिड होती है या फिर कोई चीज फ्लूड होती है। दैट मीन्स इफ सर्टेन रजिस्टर शियर स्ट्रेस और सर्टेन सब्सटेंस या सर्टेन मॉलिकुलर सिस्टम नॉट रजिस्ट द शियर स्ट्रेस, इफ दे आर रजिस्टिंग द शियर स्ट्रेस दैट इज नोन एज सॉलिड, इफ दे आर नॉट रजिस्टिंग शियर स्ट्रेस दैट इज नोन एज फ्लूड, एंड इफ सम प्रॉपर्टी दैट दे कैन स्मॉल रजिस्टेंस ऑफ दैट इज नोन एज इलास्टो फ्लूड। ओके नो 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 नो, देर इज नो सॉलिड, नहीं, ग्रीसेस इज नॉट सेमी सॉलिड, इट इज नॉट सेमी सॉलिड, इज अ बिंघम प्लास्टिक फ्लूड, ग्रीस इज नॉट अ सेमी सॉलिड, इट इज अ बिंघम प्लास्टिक फ्लूड माई डियर, इट इज नॉट सेमी सॉलिड, वी नॉट नो टेल सेमी सॉलिड, ओके, आधा अधूरा सॉलिड नहीं होता यार, सॉलिड होता है या फ्लूड होता है।
इट इज अ बिंगम प्लास्टिक फ्लूड, इट इज नॉट अ न्यूटोनियन फ्लूड, इज अ बिंगम प्लास्टिक फ्लूड। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कि सेमी सॉलिड हम यूज कर लेते हैं। चलिए, तो समझ में आ गई आपको कि वर्किंग फ्लूड हम चेंज नहीं कर सकते, और अगर हमने कर भी लिया तो मेन इफेक्टिव प्रेशर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से वी विल नॉट यूज इट इज प्रैक्टिकली। सो माय डियर फ्रेंड, नाउ द कार्नोट साइकिल हैज अ लो मेन इफेक्टिव प्रेशर। सो आई एम टेलिंग यू द कार्नोट साइकिल हैज वेरी लो मेन इफेक्टिव प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ इट वेरी लो वर्क आउटपुट। तो कार्नोट साइकिल का जो वर्क आउटपुट होता है, नेट वर्क आउटपुट जो आपको मिल रहा है, इट इज वेरी वेरी लेस। सो कार्नोट साइकिल वन ऑफ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द साइकिल टू प्रोड्यूस हायर मीन इफेक्टिव प्रेशर, जिससे कि हमें वर्क आउटपुट मिल जाए ज्यादा। वाइल इज द थ्योरेटिकल अचीविंग द फुल कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी इज द स्टिलिंग साइकिल। तो स्टिलिंग साइकिल वो साइकिल होती है जिसमें थ्योरेटिकली वी आर अप्रोचिंग टू द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, बट ऑल्सो वी आर गेटिंग अ मैक्सिमम वर्क आउटपुट। सो स्टिलिंग साइकिल इज जस्ट अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द कार्नोट साइकिल। इन दिस साइकिल यू आर गेटिंग अ मैक्सिमम वर्क आउटपुट एंड ऑल्सो यू आर अचीविंग द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, एंड दैट्स व्हाई द स्टिलिंग साइकिल इज अ सुपीरियर साइकिल देन द कार्नोट साइकिल। सो सम स्टूडेंट ऑलवेज थिंक दैट सर कार्नोट साइकिल इज द हाईएस्ट एफिशिएंसी, नो साइकिल हैज इक्वल द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। या देयर इज अ स्टिलिंग साइकिल व्हिच हैज अ इक्वल एफिशिएंसी देन कार्नोट साइकिल, इक्वल टू द कार्नोट साइकिल, एंड ऑल्सो इट विल हैव यू आर गेटिंग अ मैक्सिमम वर्क आउटपुट। सो द स्टिलिंग साइकिल इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द कार्नोट साइकिल वेयर यू आर गेटिंग अ मैक्सिमम वर्क आउटपुट एज वेल एज यू आर गेटिंग अ हाइएस्ट एफिशिएंसी। ओके, तो यहां पर आपको मैक्सिमम वर्क आउटपुट भी मिल रहा है और आपको हाईएस्ट एफिशिएंसी मिल रहा है। तो जो स्टिलिंग साइकिल होती है, इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, टू इज आइसोथर्मल एंड टू इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। टू इज आइसोथर्मल प्रोसेस एंड द टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो इन दिस टू आइसोथर्मल प्रोसेस यू आर एडिंग हीट और यू आर सप्लाइंग। सो यू विल एड हीट और सप्लाई हीट या रिजेक्ट हीट, यू विल एड हीट हेयर और यू रिजेक्ट हीट हेयर। अभी बात करेंगे, ये अभी हम लोग आइडियल केस में बात कर रहे हैं, अभी बात करें। देखो स्टीलिंग साइकिल का एप्लीकेशन क्या है कि वी वांट टू अप्रोच द स्टीलिंग साइकिल। अभी 1990 की बात है, एक बंदे का नाम है फिलिप्स था, उसने जनरल मोटर को एक पत्र लिखा, बोला कि सर आई कैन जनरेट अ इंजन जो कि स्टीलिंग साइकिल पे वर्क करे। तो उन्होंने रिवर्स बैक में उसको आंसर दिया कि भैया जितना पैसा लेना ले लो, जनरेट करके बताओ। ठीक है, तो कहानी यह है कि स्टीलिंग साइकिल हम अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वी हैव सम प्रॉब्लम विद द स्टीलिंग साइकिल, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि वी विल अप्रोच टू द स्टीलिंग साइकिल, बट देर इज द सम प्रॉब्लम प्रैक्टिकली इन द स्टीलिंग साइकिल, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टीलिंग साइकिल में क्या होता है, स्टीलिंग साइकिल में दो आइसोथर्मल होते हैं, टू आइसोथर्मल एंड टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो दिस इज द स्टीलिंग साइकिल विच एक्चुअली वी फॉर्म इन दिस डायग्राम। ओके, यस, कार्नोट साइकिल इज अ रिवर्सिबल साइकिल। यस, कार्नोट साइकिल इज रिवर्सिबल इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। यस गुप्ता, कार्नोट साइकिल इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। सो हाउ दिस स्टीलिंग साइकिल वर्क, लेट्स सी। तो फर्स्ट द एयर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम द स्टेट 1 to 2। एयर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली, सॉरी इसमें हीट एडिशन बोल दिया मैंने, गलती कर दी। सॉरी। ओके, तो पहला यहां पर होता है देयर एयर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली फ्रॉम स्टेट 1 to 2। सो फर्स्ट वी विल कंप्रेस 1 to 2 आइसोथर्मली। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, आइसोथर्मली कंप्रेस करेंगे। ओके, देन द एयर एट द स्टेट 2 इज पास थ्रू इनटू द रीजनरेटर फ्रॉम द टॉप एट द टेम्परेचर T1। और फिर हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे फ्रॉम T1 to T2, आइसोथर्मल या कांस्टेंट वॉल्यूम हीट सप्लाई करेंगे। सो देयर विल बी अ हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, सो वी विल गेट द वर्क आउटपुट, एंड यहां पर हमें वर्क इनपुट करना पड़ेगा, एंड देन देयर इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। तो यहां पर क्या हो रहा है हमारा कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन एंड टू आइसोथर्मल।
तो कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन प्रोसेस द आइसोथर्मल। तो यहां पर क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक है, पहला। दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, एडिशन। थर्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और फोर्थ आइसोथर्मल सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। क्या हो रहा है इज दैट एवरीथिंग इज ओके यार, वीडियो के साथ वापस से दिक्कत तो नहीं हो रही है। सो यहां पर क्या हो रहा है, चार प्रोसेस हो रहे हैं। पहले वन से टू इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, टू 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 थ्री इज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, थ्री टू फोर इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एंड फोर टू वन इज अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। पता नहीं क्या हो गया इसको आज का लैपटॉप। या इसको पता नहीं क्या हो गया आजकल लैपटॉप को, लैपटॉप को नहीं, शायद नेट का कनेक्शन स्लो चल रहा है। मे बी द नेट कनेक्शन मे बी स्लो और समथिंग एल्स। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया क्या, थोड़ा सा अब ठीक हो गया क्या? सो यहां पर देखिए, अब होता क्या है कि इससे हमें जो नेटवर्क आउटपुट मिल रहा है, द एरिया अंडर द पीवी डायग्राम इज द लार्जेस्ट, तो वी विल गेट द नेटवर्क आउटपुट ऑल्सो एंड द एफिशियंसी विल अप्रोच टू द कार्नोट साइकिल एफिशियंसी वेन वी यूज अ परफेक्ट रीजनरेशन। परफेक्ट रीजनरेशन जब हम यूज करते हैं तभी एफिशियंसी कार्नोट के बराबर होती है। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे क्या होगा रीजनरेशन। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि वेन यू टॉकिंग अबाउट द आइसोथर्मल कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन वॉट हैपन वेन द प्रोसेस बिकम आइसोथर्मल, लेट सी, देर इज अ टू चांसेज। अगर हम किसी चीज को कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेशन के दो चांसेज यहां पर बनते हैं कि कोई भी चीज आइसोथर्मल कब बनेगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन कब होगा। लेट्स सी इट कि व्हेन देर इज अ आइसोथर्मल कंप्रेशन, सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप अपने हाथों को बहुत आराम आराम से रब करो तो मजा बताओ क्या आपके हाथों का टेम्परेचर चेंज होगा। व्हेन यू आर मूविंग योर हैंड, व्हेन यू आर रबिंग योर हैंड स्लोली स्लोली स्लोली, तो क्या आपके हाथों का टेम्परेचर चेंज होगा क्या? व्हेन यू आर रबिंग योर हैंड स्लोली स्लोली स्लोली, योर हैंड टेम्परेचर चेंज और नॉट, आपका हाथों का टेम्परेचर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। सिमिलरली जब पिस्टन बहुत स्लोली स्लोली मूव करता है तो उस केस में वॉट एवर इट सप्लाई द वर्क टू द एयर इट विल लॉस एज अ हीट। उस वजह से क्या होता है, द एयर टेम्परेचर इनसाइड द कंप्रेशन या इनसाइड द चैम्बर विल रिमेन कॉन्स्टेंट। तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन टेम्परेचर विल रिमेन कॉन्स्टेंट व्हेन द प्रोसेस इज वेरी वेरी स्लो। अदरवाइज व्हेन यू रब योर हैंड, व्हेन यू रब योर हैंड, योर टेम्परेचर ऑफ योर हैंड विल इंक्रीज ना। आप देख सकते हैं व्हेन यू रब योर हैंड आपके हाथों का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? यस इट विल इंक्रीज, डेफिनेटली इट विल इंक्रीज, बट व्हेन यू रब योर हैंड वेरी वेरी स्लोली व्हाट हैपन, द टेम्परेचर ऑफ योर हैंड विल रिमेन कॉन्स्टेंट। एंड व्हाई इट इज रिमेन कॉन्स्टेंट, बिकॉज व्हेन यू रबिंग द हैंड स्लोली व्हाट एवर द हीट जनरेट ड्यू टू फ्रिक्शन इट लॉस इन द सराउंडिंग, इट लॉस इन द सराउंडिंग। सो जब आप अपने हाथों को स्लोली रब करते हो तो व्हाट एवर द हीट जनरेट इन द in your hand it lost in the surrounding, but when you are rubbing your hand very fast what happened, heat is not going to loss in the surrounding, it is going to store in your hand. So what happened, your hand temperature increase. So when the piston moving very fast, the temperature inside the gas increase fast or intermediate speed ke sath, to temperature kya hota hai gas ka inside the piston will increase, but when the piston moving very very slow, very 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 slow, then only the isothermal compression can achieve. So one practical problem is that to achieve the isothermal compression your cycle should rotate
एट वेरी वेरी स्लो स्पीड योर पिस्टन शुड मूव विद वेरी वेरी स्लो स्पीड। और अगर पिस्टन बहुत स्लो स्पीड से मूव करेगा तो प्रैक्टिकली दिस स्पीड विल बी वेरी वेरी लो, सो योर आईसी इंजन विल नॉट वर्क एक्चुअली। प्रैक्टिकली क्या होगा, प्रैक्टिकली हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। अगर हमारा पिस्टन बहुत स्लोली मूव कर रहा है सो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल योर व्हीकल कैन रन, बिकॉज टू मूव अ व्हीकल यू रिक्वायर्ड सर्टेन स्पीड, मे बी द स्पीड इज लेस देन कि वो घोड़ा गाड़ी से भी कम हो गई, वो बैलगाड़ी से भी कम हो गई, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड ऑफ ऑटोमोबाइल फॉर दैट। कार की क्या जरूरत होगी जब कार मूव ही नहीं कर रही, बहुत स्लोली स्लोली मूव कर रही है, वो पैदल चलने वाला से भी अगर धीरे चल रही है तो फिर कार की जरूरत क्या है। तो प्रैक्टिकली अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन करोगे तो आपका जो रोटेशनल आरपीएम है शाफ्ट का वो बहुत कम हो जाएगा या पिस्टन की स्पीड बहुत कम हो जाएगी। तो जब प्रैक्टिकली वो स्पीड ही नहीं है तो फिर उसको लगाओगे कहाँ भाई, गाड़ी कैसे बनाओगे? अरे गाड़ी क्या बनाओगे जब वो, क्या बैलगाड़ी बनाओगे क्या, उसको कैसे चलेगी वहां पर जब? तो अचीव कर सकते हो बट हाउ दस एक्चुअली प्रैक्टिकली इट विल वर्क। जब पिस्टन बहुत स्लोली मूव करेगा तभी आइसोथर्मल हो सकता है, और जब बहुत स्लोली मूव करेगा तो फिर क्रैंकशाफ्ट भी बहुत स्लोली मूव करेगी, और जब क्रैंकशाफ्ट बहुत स्लोली मूव करेगी तो उसके साथ लगी हुई चीजें भी बहुत स्लोली मूव करेगी, तो एक्चुअली गाड़ी चलेगी नहीं आगे। सो दैट इज द पॉइंट। सेकेंड प्रॉब्लम विद दैस कि यहां पर क्या होता है कि वेन यू कंप्रेस आइसोथर्मली और यू रिजेक्ट या यू एक्सपेंड आइसोथर्मली, तो यहां पर क्या होगा यहां पर हीट रिजेक्ट होगी। जब हम कंप्रेस करेंगे तो ड्यूरिंग द कंप्रेशन देयर मस्ट बी ए हीट रिजेक्शन बिकॉज इट इज आइसोथर्मल कंप्रेशन, तो यहां पर हीट रिजेक्ट होगी ड्यूरिंग दिस कंप्रेशन। तो इस रिजेक्ट हीट को हमें वापस से रीजनरेट करना होगा, वापस से हमें यूज करना होगा। अगर हमने यूज नहीं किया इसको वापस से और ये सराउंडिंग में लॉस हो गई तो जो साइकिल है वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। इसलिए यहां पर वर्क आउटपुट विल नॉट बी लो। अबे हम बोल रहे हैं वर्क आउटपुट लो नहीं होगा, प्रैक्टिकली साइकिल वो प्रैक्टिकली हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, यहाँ पर सेकेंड प्रॉब्लम ये होती है, अभी मैं बताऊंगा। चलो ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हीट सप्लाई। तो हीट सप्लाई जब हम यहाँ कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं भाई? हीट सप्लाई हम कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के दौरान। ओके, सो हीट सप्लाई हमारे पास अलग अलग जगह होगी। देख, हीट सप्लाई ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस 3 to 4, अगर 3 to 4 प्रोसेस के दौरान हीट सप्लाई करोगे ये होगा आपका। ओके, एंड अगर हीट रिजेक्ट करोगे तो ये होगा आपका। देखो सीधी सी बात है, साइकिल की एफिशिएंसी निकालनी, यू वांट टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ दिस साइकिल। सो इन दिस साइकिल दिस इज योर टीएस डायग्राम। तो इन दिस साइकिल द एरिया अंडर दिस होल साइकिल दिस विल बी द हीट सप्लाई। नो ही डिडंट प्रूव हिज सेल्फ, वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाया। नो, अरे इसलिए तो उन्होंने बोला था कि जितना पैसा लेना ले लो, चला के बताओ, इसलिए तो बोला था। दैट्स व्हाई ही टोल्ड हिम ना, ट्राई टू रन द साइकिल। मेरा टाइम बेटा हमेशा हमेशा ऑलवेज 8:30 PM है, ऑलवेज 8:30 पे प्रकट हो जाता हूँ भैया, 8:30 पे मैं हमेशा प्रकट हो जाता हूँ अभिषेक। इफ यू फॉलो मी यू विल नो कि मैं 8:30 पे यहाँ पर प्रकट होता हूँ, यू नो दैट। सो देखिए हम लोग, आप देखो इसका कैलकुलेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, देखिए ये जो साइकिल है आपका, इस साइकिल के अंदर का एरिया आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है 3 to 4, ये आपका क्या होगा, हीट एडिशन, और जो हीट रिजेक्शन होगा वो साइकिल के नीचे का एरिया होता है। सो दिस विल बी योर हीट रिजेक्शन। ओके, सो हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हमारे पास दो हो जाएंगे। सो हमने यहां पर निकाला कि हीट एडिशन क्या होगा, हीट रिजेक्शन क्या होगा।
उसको हमने इस फॉर्मूले से निकाला, और जब हम डब्ल्यू नेट अपॉन क्यू एडिशनल करते हैं तो यहाँ पर एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है विच एक्चुअली इक्वल टू द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, दैट एक्चुअली इक्वल टू द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, दैट एक्चुअली इक्वल टू द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, दैट एक्चुअली इक्वल टू द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम लोग परफेक्ट रीजनरेशन यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये वाले प्रोसेस हमने नहीं लिए। यहाँ पर टेम्परेचर सेम हो जाएगा, बिकॉज देखिए अगर आप परफेक्ट रीजनरेशन यूज़ करते तो इसका मतलब ये होगा कि यू विल हीट, अगर आप यहाँ से जो कम्बशन गैसेस निकल रही है उसी से आप ये टेम्परेचर को राइज करोगे। ये जो हीट आप दे रहे हो ना, वो बेसिकली आप वही हीट दे रहे हो यहाँ से, ये जो टेम्परेचर आपका राइज हो रहा है वो कितना राइज हो रहा है, यहाँ तक राइज हो जाएगा। तो हीट केवल ऐड हो रही है इस प्रोसेस में, तो बेसिकली ये परफेक्ट रीजनरेशन वी आर गोइंग टू यूज। तो इसका जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है, दैट एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी, सो द एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज कि द एफिशिएंसी विल अप्रोच टू कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी व्हेन ओनली यू आर यूजिंग अ 100% रीजनरेशन। जब आप 100% रीजनरेशन यूज कर रहे हो तभी इसकी एफिशिएंसी कार्नोट के बराबर हो सकती है, अदरवाइज इसकी एफिशिएंसी कार्नोट के बराबर नहीं होती। और 100% रीजनरेशन यूज करने के लिए, अरे रीजनरेशन बताना है क्या भाई, शुड आई एक्सप्लेन द रीजनरेशन, हाउ दिस रीजनरेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस? हाउ दिस रीजनरेशन गोइंग टू टेक प्लेस, शुड आई एक्सप्लेन इट? देखो भाई यहां पर क्या होगा, हमारा जो पिस्टन सिलेंडर इंजन है यहां पर आफ्टर द एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या हो रहा है यहां पर, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन होने के बाद गैसेस बाहर निकलेगी, ओके, तो ये कंबशन गैसेस बाहर निकली, तो ऑल द कंबशन गैसेस विल गोज आउट, सो दिस कंबशन गैसेस विल कम आउट। तो हम यहां पर ये इंजन को ऐसे बना लेते हैं, तो रीजनरेशन का मतलब है कि इंजन से जो गैसेस बाहर निकल रही है किस पोजीशन में निकल रही है, फोर पोजीशन में निकल रही है, ठीक है, ये किस पोजीशन में निकल रही है, फोर पोजीशन में निकल रही है। अब हम क्या करेंगे, इस गैसेस के बीच में एक हीट एक्सचेंजर लगाएंगे, ओके। अब यहाँ कंप्रेस होने के बाद हमें हीट ऐड करनी है, कंप्रेस करने के बाद हमें क्या करनी है, हीट ऐड करनी है। तो बेसिकली क्या होता है, इसके आसपास इसको ऐसे बनाओ, बेसिकली क्या होगा कि ये जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं यही बेसिकली आपको हीट सप्लाई कर देगी। अरे यार इसको ढंग से बनाते हैं, रुको मैं वापस से समझा रहा हूँ, दो मिनट रुको। तो देखिए ये हमारा इंजन है, और इंजन से क्या होता है, इंजन से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है एट द फोर पॉइंट। अब इंजन के बीच में और इसके बीच में हम क्या करेंगे, एक हीट एक्सचेंजर लगाएंगे। सो क्या होगा कि दिस एग्जॉस्ट गैसेस विल रिजेक्ट हीट टू दिस इंजन, और ये जो हीट रिजेक्ट करेगा इस इंजन को, दैट हीट रिजेक्शन विल बी इक्वल टू हीट सप्लाई। और आफ्टर द कंप्रेशन जो हीट की जरूरत पड़ेगी, आफ्टर द कंप्रेशन जो आप हीट ऐड कर रहे हो, दैट हीट विल कम फ्रॉम द हीट रिजेक्शन प्रोसेस। तो ये हीट जो है कहाँ से आती है, ये वन पोजिशन से आती है। इसका मतलब जो कंबशन में हीट ऐड करते हो, दैट विल अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू द हीट एडिशन। तो इस वजह से द टेम्परेचर एट T1 जब एग्जॉस्ट होगा तो कितने बार T2 के T3 इज इक्वल टू, अरे बाप रे बाप, ओके। तो यहां पर रीजनरेशन का मतलब क्या है कि व्हाटएवर द हीट लॉसेस, तो हम लोग यहां पर हीट को लॉस नहीं होने देना है।
अगर ये हीट लॉस हो गई, इफ इट इज हीट लॉस इन द सराउंडिंग, तो क्या होगा, सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर सराउंडिंग की एंट्रोपी इंक्रीज हो गया तो फिर साइकिल इरिवर्सिबल हो जाएगा. सो व्हेन यू आर यूजिंग स्टिलिंग साइकिल विद परफेक्ट रीजनरेशन, दैट मीन्स दिस इज द साइकिल विच इज इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सिबल, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सिबल. अभी थोड़ा सही हो जाएगा यार अरविंद, वो थोड़ा सा बीच बीच में सही हो जाता है वापस से. सो इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सिबल, एंड दैट्स वाई देयर एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, या मे बी प्रॉब्लम इन इंटरनेट, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी. ओके, सो इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर हम रीजनरेशन यूज करें, दैट मीन्स वी आर नॉट अलाउिंग हीट टू लॉस टू द सराउंडिंग. ओके, वी जस्ट एडिंग हीट, सेम हीट वी आर यूजिंग अगेन इन द इंजन. ओके, टू एड द हीट, सो दैट्स द रीजन. अगर हम हीट अलाउ कर, देर इज नो रीजनरेशन, परफेक्ट रीजनरेशन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑल द हीट विल नॉट बी सप्लाइड टू द इंजन, सम हीट मे बी लॉस इन द सराउंडिंग. सो इफ सम हीट मे लॉस इन द सराउंडिंग, सो देन द रीजनरेशन, देन द स्टीलिंग साइकिल एफिशिएंसी विल बी लुक लाइक दैट, एंड दिस इज कॉल्ड एज इफेक्टिवनेस ऑफ द रीजनरेशन. सो इफ दिस इफेक्टिवनेस इज नॉट इक्वल टू वन, if its effectiveness not equal to 1, then the regeneration cycle efficiency will be less than the Carnot cycle efficiency. But if the effectiveness become 1 and we are using a perfect regeneration, then the Stirling cycle efficiency will be equal to the Carnot cycle efficiency. Okay, so when we are, so this type of regeneration is not possible. So that's why the practically the Stirling cycle has certain limitation to use, and that's why we are not using a practically Stirling cycle. Okay, so these are the limitation. So yes, Stirling cycle will have a efficiency equal to the Carnot cycle when you are using a perfect regeneration. If you are not using a perfect regeneration, it is not possible actually. The perfect regeneration is not possible because there must be a certain heat will loss in the surrounding. So that's why the perfect regeneration is not possible. So that's why the Stirling cycle efficiency, collusion hoga hi nahi bhai. There will be no pollution at all because we are adding heat. We are using that heat which we save it again and again. So air pollution, yes, वो वाली बात नहीं है. Okay, and that's why in derivation I just tell you कि heat supply in only isothermal process, because in the heat addition and heat rejection process same heat will utilize. So heat which we are externally supply, we will supply in only isothermal process. So we supply heat in the isothermal process. So isothermal process heat supply will be equal to the work done, because from the thermodynamic relation we know that if the process isothermal, if you are using a air as a working fluid, the change in internal energy will be zero. So heat supply will be equal to the work done, and isothermal work done will be the P3 V3 ln V3 upon V2. So that's why we are supplying heat only in the isothermal process, not in the heat addition and heat rejection process, because in the heat addition heat rejection we are assuming there's a perfect regeneration. So if we are assuming perfect regeneration, that means we are use the same heat in heat addition and heat rejection. So that is the reason. So when your heat supply this and heat rejection will be this, so when you apply the formula and you are using a perfect regeneration, the efficiency is equal to the Carnot cycle efficiency. But when you are not assuming the perfect regeneration and you are assuming there is a heat addition and heat rejection also in the constant volume heat addition, to fir us case mein kya hoga, formula ye ho jayega, aur ye formula Carnot cycle ke barabar nahi hai. Yahan tak kahani samajh mein aa gayi aapko? Yahan tak kahani, is that clear or not? It is crystal clear or not? Yes or no bataiye, it is crystal clear or not? Now it is crystal clear why we cannot use a Stirling cycle for a practical working cycle, or what is the limitation with the Stirling cycles. It is practically clear or not to you? Any doubt in this? Are baba kya ho gaya, kuch to bolo. Yes, now come to the, yes sir, now come to the Erikson cycle. So Erikson cycle, what is the Erikson cycle? So Erikson cycle mein, yes definitely sir, thank you very much. Erikson cycle mein what is happening? Erikson cycle mein we will use a two isothermal and two constant pressure. In the Stirling cycle we use two isothermal and two constant volume. In Erikson cycle we use two isothermal and two constant pressure process. And Erikson cycle also
इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द कार्नोट साइकिल। इरिक्सन साइकिल भी कार्नोट साइकिल का मॉडिफिकेशन है और इरिक्सन साइकिल के अंदर भी नेटवर्क आउटपुट सबसे ज्यादा आएगा एंड इसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, कार्नोट के बराबर ही होगी व्हेन यू आर यूजिंग अ परफेक्ट रीजनरेशन। बिकॉज इन इरिक्सन साइकिल ऑल्सो देर इज अ टू आइसोथर्मल एंड देर इज अ टू कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस। इरिक्सन साइकिल के अंदर भी दो आइसोथर्मल होते हैं और दो कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस हैं। तो यहां पर क्या होगा, इन आइसोथर्मल प्रोसेस वी विल कंप्रेस, इन नेक्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस इट इज एक्सपेंशन। इन दिस प्रोसेस वी विल एड द हीट एंड इन दिस प्रोसेस वी विल रिजेक्ट द हीट, बट वी विल यूज अ परफेक्ट रीजनरेशन। सो ऑल हीट एड एट द कॉन्स्टेंट वो प्रेशर इन 2-3 एंड हीट रिजेक्ट इन द दिस प्रोसेस विल यूटिलाइज इन द हीट एडिशन। तो यहां पर जो हीट रिजेक्ट हो रहा है उसको हम यूटिलाइज करेंगे किसमें, हीट एडिशन प्रोसेस के अंदर। विल यूटिलाइज दिस हीट रिजेक्ट इन द हीट एडिशन प्रोसेस। तो जब हम यहाँ पर भी परफेक्ट रीजनरेशन यूज करते हैं, वेन वी यूज द परफेक्ट रीजनरेशन, सेम फॉर्मूला होगा, सेम डेरिवेशन होगा, तो इसकी एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, द एफिशिएंसी ऑफ द इरिक्सन साइकिल विल बी इक्वल टू द कार्नोट साइकिल एफिशिएंसी। बट इरिक्सन साइकिल का एडवांटेज क्या होगा, वी आर गेटिंग अ मोर वर्क आउटपुट। तो इसके अंदर भी हम रीजनरेशन यूज करेंगे, अगर हम परफेक्ट रीजनरेशन यूज करेंगे विथ परफेक्ट रीजनरेशन। सो अगर हम परफेक्ट रीजनरेशन यूज करते हैं तो इरिक्सन साइकिल की एफिशिएंसी भी कार्नोट के बराबर हो जाती है और उसका फॉर्मूला भी कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के बराबर आता है, 1-TLO/THI, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द कार्नोट साइकिल और द इरिक्सन साइकिल एफिशिएंसी व्हेन वी आर यूजिंग अ परफेक्ट रीजनरेशन। सो दैट्स व्हाई इन द गैस पावर प्लांट वी ट्राई टू अचीव द इरिक्सन साइकिल नॉट कार्नोट साइकिल, बिकॉज इन द गैस पावर प्लांट इफ यू ट्राई टू अचीव द कार्नोट साइकिल द नेटवर्क आउटपुट विल बी वेरी वेरी स्मॉल, सो द पावर प्लांट साइज विल इंक्रीज वेरी वेरी लार्ज। सो अगर हम लोग पावर प्लांट में, गैस टर्बाइन के अंदर या गैस पावर प्लांट में कार्नोट साइकिल को फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो उस केस में हमारे पावर प्लांट का साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी नेटवर्क आउटपुट होगा वो बहुत ही कम होता है। इसलिए जब भी हम पावर प्लांट की या गैस पावर प्लांट की बात करते हैं, वी आर गोइंग टू फॉलो द इरिक्सन साइकिल। सो व्हेन वी यूज अ इनफाइनाइट इंटरकूलिंग स्टेजेस, जब हम इनफाइनाइट इंटरकूलिंग स्टेजेस यूज करते हैं, इनफाइनाइट इंटरकूलिंग स्टेजेस यूज करते हैं एंड इनफाइनाइट रीहीटिंग स्टेजेस यूज करते हैं एंड विथ ऑल्सो परफेक्ट रीजनरेशन, तो उस केस में हमारी साइकिल क्या बन जाती है, इरिक्सन साइकिल बन जाती है। उस केस में हमारी साइकिल क्या बन जाती है, इरिक्सन साइकिल बन जाती है। तो ब्रिटन साइकिल विल कन्वर्ट टू द इरिक्सन साइकिल व्हेन वी आर यूजिंग अ इनफाइनाइट इंटरकूलर और इनफाइनाइट रीहीटर। तो उस केस में ये क्या होगा, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा और ये वाला भी प्रोसेस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। एंड विद इन परफेक्ट रीजनरेशन अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो फिर ये कौन सी साइकिल बन जाएगी, इरिक्सन साइकिल बन जाएगी और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, हाईएस्ट होगी। क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा एक इनलाइटमेंट देता हूं, कार्नोट साइकिल के बारे में थोड़ा सा इनलाइटमेंट, इरिक्सन साइकिल और कार्नोट के बारे में। देखो कार्नोट हमेशा इरिक्सन साइकिल जो होती है या गैस साइकिल जो होगी, दे ऑलवेज वर्क बिटवीन द हाईएस्ट टेम्परेचर विच इज डिपेंड बाय द मेटलर्जिकल लिमिट, जो कि इक्विपमेंट की मेटलर्जिकल लिमिट पे डिपेंड करता है, भाई इक्विपमेंट का किस टेम्परेचर पर पिघल सकता है, थर्मल स्ट्रेस इतनी ज़्यादा हो सकती है कि वो बिल्कुल पिघल जाए। तो अगर हम यहाँ पर ब्रिटन साइकिल बनाएं तो ये साइकिल बनती है हमारी ब्रिटन साइकिल, दिस इज द ब्रिटन साइकिल। यहाँ पर हमारा टू कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं और टू हमारे क्या होते हैं, टू हमारा क्या होगा, टू आइसेंट्रॉपिक प्रोसेस होते हैं, तो दिस इज द ब्रिटन साइकिल। अब इसके अंदर हम जैसे जैसे प्रेशर रेशियो बढ़ाते हैं हमारी साइकिल कैसी जाती है, ये और प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो ये, और प्रेशर रेशियो बढ़ाएंगे तो ये। तो जब साइकिल ब्रिटन लाइक, जब साइकिल यहां पर ये वर्टिकल हो जाती है तो दिस साइकिल इज बेसिकली अ कार्नोट साइकिल, बिकॉज इन दिस साइकिल ओनली यू कैन सी
2, 3 and 4. सो इन दिस साइकिल 2, 3 इज आइसोथर्मल, 2 और 3 प्रोसेस का क्या हो गया, टेम्परेचर सेम हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस बिकॉज 2 और 3, और यहां पर 1 और 4 प्रोसेस का टेम्परेचर सेम हो गया, और फिर यहां पर 1, 2 और 3, 4 क्या है आपके आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. तो इस केस में हमारी जो कार्नोट साइकिल बनेगी वो एक वर्टिकल लाइन होगी, द वर्टिकल लाइन विल बी द कार्नोट साइकिल. सो द एरिया ऑफ दिस लाइन विल बी क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, जीरो होगा. और अगर इसका एरिया जीरो होगा तो एरिया अंडर द साइकिल ऑन टी एस डायग्राम क्या बताता है हमको, टोटल हीट ट्रांसफर बताता है. तो टोटल हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू टोटल वर्क ट्रांसफर के बराबर होता है. तो अगर हीट ट्रांसफर बराबर जीरो होगा तो नेट वर्क डन भी क्या होगा, यहां पर जीरो होगा. इसका मतलब ये होगा इन केस ऑफ द ब्रेटन साइकिल इफ यू वांट टू फॉलो द कार्नोट साइकिल व्हाट हैपन द नेट वर्क डन बिकम जीरो, नेट वर्क डन बिकम जीरो. बट इंस्टेंट ऑफ कार्नोट साइकिल व्हेन यू ट्राई टू अचीव द एरिक्सन साइकिल, इन द एरिक्सन साइकिल दिस विल बी द टी एस डायग्राम. इन द एरिक्सन साइकिल द टी एस डायग्राम हमारा क्या होगा, देयर विल बी द टू आइसोथर्मल. तो दिस विल बी योर डायग्राम ऑफ द एरिक्सन साइकिल. सो एरिक्सन साइकिल आप देख सकते हो यहां पर 2 आइसोथर्मल होंगे, दिस इज 2 मैक्सिमम और 2 मिनिमम, एंड दिस विल बी द कॉन्स्टेंट प्रेशर प्रोसेस. सो एरिक्सन साइकिल में हमें वर्क आउटपुट मैक्सिमम मिलेगा, बट इन केस ऑफ कार्नोट साइकिल द वर्क आउटपुट विल बी जीरो ऑलमोस्ट. सो दैट्स व्हाई इन केस ऑफ गैस पावर प्लांट आवर आइडियल साइकिल इज द एरिक्सन साइकिल नॉट कार्नोट साइकिल. वी ऑलवेज वॉन्ट टू फॉलो द एरिक्सन साइकिल नॉट कार्नोट साइकिल. सो दैट्स व्हाई व्हेन यू यूज अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड इंटरकूलर और रीहीटर एंड विद परफेक्ट रीजनरेशन, सो इन दिस केस कार्नोट एरिक्सन साइकिल एफिशिएंसी और यू कैन सी द साइकिल बिकम द एरिक्सन साइकिल. तो उस केस में जो साइकिल होंगी वो एरिक्सन साइकिल बन जाएगी. नेक्स्ट साइकिल इज द एटकिंसन साइकिल. जो नेक्स्ट साइकिल है उसका नाम है एटकिंसन साइकिल. यहां तक क्लियर है सभी लोगों को, यहां तक क्लियर है, दैट इज क्लियर टू यू, यहां तक क्लियर है सभी लोगों को. नेक्स्ट साइकिल आएगा आपका एटकिंसन साइकिल. यहां तक क्लियर है क्या, नाउ नेक्स्ट इज द एटकिंसन साइकिल. जो अभी तक आपने साइकिल देखी थी स्टिलिंग साइकिल और एरिक्सन साइकिल, दे वर द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द कार्नोट साइकिल. अब आता है एटकिंसन साइकिल. सो इट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ओटो साइकिल. सो एटकिंसन साइकिल इज अ बेसिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ओटो साइकिल. एंड वाट इज द प्रॉब्लम विद द ओटो साइकिल. प्रॉब्लम ओटो साइकिल में क्या होती है, इन केस ऑफ ओटो साइकिल वेन वी ड्रॉ पी वी डायग्राम, सो इन केस ऑफ ओटो साइकिल देर इज अ टू कॉन्स्टेंट इन ऑटो साइकिल देयर 1 to 2 इज अ कंप्रेशन, 2 to 3 इज अ हीट एडिशन देन एक्सपेंशन एंड देन इज अ हीट रिजेक्शन प्रोसेस. तो हमारे पास ऑटो साइकिल में क्या होता है, जो हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है इट विल हैपन एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. सो हीट रिजेक्शन प्रोसेस विल टेक प्लेस एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. So what happen, the area under this cycle will be small. In auto cycle you know that कि होता क्या है, after the expansion process the pressure inside the cylinder is more than atmosphere pressure or more than suction pressure. So what happen, as you open the exhaust valve all the combustion gases which is at higher pressure than the surrounding pressure will escape out. And as they escape out very fast. So what happen? The volume will remain constant. तो यहाँ पर क्या होगा, when ये जब बाहर जाएगी तो because इनका pressure high है, बाहर का pressure क्या है, low है.
ओके तो आफ्टर एक्सपेंशन प्रोसेस जो अंदर की तरफ प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, बाहर की तरफ प्रेशर कम होता है। तो जैसे एग्जॉस्ट वॉल्व खोलते हैं जो गैसेज होती है वो बाहर निकल जाएगी एकदम से, और जैसे ही बाहर निकलेगी तो पिस्टन वहीं का वहीं रहेगा और गैसेज एकदम से बाहर निकल गई तो प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, 4:1 आ जाता है। अब इस केस में होता क्या है कि कुछ वर्क का लॉस हो रहा है। इसकी जगह अगर हमारा जो एक्सपेंशन होता, एक्सपेंशन अगर थोड़ा और ज्यादा दूरी तक होता और उसके बाद अगर हीट रिजेक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होता तो फिर क्या होता, हमारे हमें नेट वर्क आउटपुट ज्यादा मिलता। इसका मतलब अगर एक्सपेंशन हमारा इतने प्रेशर तक होता कि ये जो प्रेशर है वो P1 के बराबर हो जाता तो उस केस में हमें जो नेट वर्क आउटपुट मिलता इट विल बी द हाईएस्ट, सबसे ज्यादा हमें नेट वर्क आउटपुट मिलता। अगर हमारा एक्सपेंशन अप टू द P1 तक ही होता, अगर हम एक्सपेंशन प्रोसेस P1 तक करते तो उस केस में जो हमें वर्क आउटपुट मिलता वो हमें हाईएस्ट मिलता। तो एटकिंसन साइकिल को अचीव करने के लिए वी जनरेट सर्टेन लिंकेज सिस्टम टू अचीव द एटकिंसन साइकिल, बट द प्रॉब्लम विद द एटकिंसन साइकिल इज प्रॉब्लम विद द एटकिंसन साइकिल इज देखिए सिंपल सी बात है, यस और नो, पहले बताओ मुझे क्या एटकिंसन साइकिल एडवांटेजेस नहीं होगी? अगर हम एक्सपेंशन P4 पे रोकने की जगह अगर एक्सपेंशन एटमोस्फेरिक प्रेशर तक करते तो हमें यहां पर मैक्सिमम वर्क आउटपुट मिलता, यस और नो? यस और नो, यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए, यस और नो बोलिए। यू विल गेट अ मैक्सिमम वर्क आउटपुट अगर आप एक्सपेंशन यहां पर कॉन्स्टेंट प्रेशर तक करते, अगर आप P4 की जगह इस पिस्टन को और नीचे ले जाते, कहां तक करते, P1 तक करते, तो फिर आपको जो वर्क आउटपुट मिलता या इस साइकिल का जो एरिया होता वो मैक्सिमम होता, या सोनू बताओ मुझे। तो आपका बेसिकली ऑटो साइकिल में इतना जो एरिया है वो क्या है, लॉस है, ये काम आ ही नहीं रहा, इतना वर्क क्या है हमारा, लॉस हो रहा है। तो इस वर्क को हम रीगेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटकिंसन साइकिल, विद द हेल्प ऑफ एटकिंसन साइकिल, एंड दैट्स व्हाई, यस दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द एटकिंसन साइकिल इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ओटो साइकिल। सो इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द ओटो साइकिल। तो फिर हम लोग यार एटकिंसन साइकिल ही पढ़े ना, व्हाई वी आर स्टडिंग द, फिर हम एटकिंसन साइकिल क्यों नहीं पढ़ते, हम लोग क्यों ऑटो साइकिल पढ़ते हैं जब हमें पता है कि एटकिंसन साइकिल से हमें वर्क आउटपुट मिलेगा ज्यादा। तो सर फिर हम एटकिंसन साइकिल क्यों यूज नहीं करते, सर हम ऑटो साइकिल क्यों यूज करते हैं, सर इसका रीजन बताओ सर आप। सर व्हाई वी यूज अ ऑटो साइकिल, वी आर नॉट यूजिंग, देर इज नो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इन द एटकिंसन, प्रैक्टिकली देर इज नो प्रॉब्लम टू अचीव द एटकिंसन साइकिल, प्रैक्टिकली यहां कोई दिक्कत नहीं है एटकिंसन साइकिल को अचीव होने में। इरिक्सन साइकिल, स्टिलिंग साइकिल में थी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, यहां पर कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नहीं है, यू कैन अचीव द एटकिंसन साइकिल वेरी इजीली। सर व्हाई वी आर नॉट यूजिंग अ एटकिंसन साइकिल, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एटकिंसन, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बताइए भाई इसका क्या जवाब है आपके पास, कोई दिमाग लगाएगा क्यों हम लोग एटकिंसन साइकिल यूज नहीं कर पा रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकली देर इज नो प्रॉब्लम टू यूज एटकिंसन साइकिल, बट वी आर नॉट यूजिंग एटकिंसन साइकिल, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग व्हाई वी आर यूजिंग ऑटो साइकिल। अरे पिस्टन को नीचे तक ले जाने में क्या दिक्कत है तुमको, तुम नीचे तक ले जा सकते हो ना, प्रेशर यहां पर एटमोस्फेरिक प्रेशर कर सकते हो, तो तुम पहले क्यों रोक रहे हो पिस्टन को, व्हाई यू आर नॉट अचीविंग द एटकिंसन साइकिल, दैट इज व्हाट इज द प्रॉब्लम विथ यू। सो माय डियर फ्रेंड लेट्स कम टू दिस पॉइंट, अरे बात समझ में आ रही है, यहां तक बोलो यस और नो बोलो, फिर आगे बात करेंगे, यस और नो बोलो, यहां तक बात समझ में आई कि भाई क्या बोल रहा हूं मैं, क्या समझ रहे हो कि भाई एटकिंसन साइकिल हम यूज कर सकते हैं ना भाई, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग एटकिंसन साइकिल दो वी आर गेटिंग अ मैक्सिमम वर्क आउटपुट, मोर वर्क आउटपुट देन कार्नोट साइकिल, एंड दिस इज प्रैक्टिकली पॉसिबल ऑल्सो। व्हाट इज द प्रॉब्लम, तो किसी को बताना मत क्या प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बता रहा हूं सीक्रेटली, आई एम जस्ट टेलिंग यू सीक्रेटली। देखो होता क्या है कि जब आप इस साइकिल को आगे लेके जाते हो, व्हेन यू आर मूविंग दिस साइकिल मोर,
सो इन दिस साइकिल व्हाट हैपन, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो ये और नेरोवर और नेरोवर और नेरोवर होता जाता है, तो ये जो एरिया है ये बहुत कम है। अरे नो बेटा बेटा, नो 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 नो, दिस इज नॉट एक्सप्लेनेशन, दैट इज नॉट एक्सप्लेनेशन। नहीं, पिस्टन कैन मूव अप टू द बॉम बियॉन्ड दैट ऑल्सो। ये मैंने प्रैक्टिकली शो भी की थी, याद है आपको, जब इन द फर्स्ट क्लास आई जस्ट प्रैक्टिकली शो दैट एटकिंसन साइकिल बाय द हेल्प ऑफ सम लिंकेज मैकेनिज्म, यू नो दैट। प्रैक्टिकली मैंने एटकिंसन साइकिल शो भी की थी लिंकेज के थ्रू, आपको याद हो तो। मैंने एक जीएफ दिखाई थी, अगर पहली क्लास आपको याद हो तो। मैंने इसीलिए मेंशन नहीं की कि मैंने वो जीएफ ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, कान खोल के सुनो, तुम्हें बता रहा हूँ, किसी और को नहीं बताऊंगा। देखो होता क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद अस, व्हेन यू सी दिस एरिया इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। बट यहाँ पर क्या होता है कि दिस एरिया इज कन्वर्ज, बहुत स्लाइटली है, बहुत नेरो स्ट्रिप है, दिस इज वेरी वेरी नेरो स्ट्रिप। सो इफ व्हेन यू वांट टू अचीव द एटमोस्फेरिक प्रेशर आफ्टर द एक्सपेंशन, दिस एरिया इज अ वेरी स्मॉल एरिया एंड द डिस्प्लेसमेंट लेंथ ऑफ द पिस्टन बिकम वेरी लार्ज। दिस डिस्प्लेसमेंट लेंथ टू अचीव द एटमोस्फेरिक प्रेशर और द सक्शन प्रेशर, इट विल बी वेरी वेरी हाई, बिकॉज इफ दिस एरिया इज एब्सोल्युटली लाइक स्ट्रिप, तो क्या होगा, बहुत नेरो एरिया है। टू अचीव द एटमोस्फेरिक प्रेशर और टू सक्शन प्रेशर द पिस्टन हैज टू डिस्प्लेस अप टू वेरी वेरी लार्ज लेंथ। सो वॉट हैपन देन, द साइज ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज, द साइज ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज। तो फिर यहां पर क्या होगा, सिलेंडर का जो साइज है बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो यहां जो हमें वर्क नेट में इंक्रीमेंट मिलेगा उसके कंपेरेटिवली द साइज ऑफ द सिलेंडर विल बी वेरी हाई। सो व्हेन द साइज ऑफ द सिलेंडर विल बी वेरी हाई, वेट ऑफ द इंजन ऑल्सो हाई, तो वेट ज्यादा बढ़ जाएगा, साइज ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फ्यूल कंजप्शन बढ़ जाएगा। तो जो डब्ल्यू नेट में एडवांटेज मिल भी रहा था वो भाई फ्यूल कंजप्शन से कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि इससे हमारे सिलेंडर का वेट बढ़ जाता है। इसलिए वी वांट टू स्टॉप द एक्सपेंशन बिफोर द सक्शन प्रेशर। सो दैट इज द रीजन वी रियली वी आर अचीव द कॉस्ट, वी आर यूज चूज अ हीट रिजेक्शन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यही एक रीजन है जिसकी वजह से हम हीट रिजेक्शन को कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर चूज करते हैं, क्योंकि अगर हमने कॉन्स्टेंट प्रेशर तक एक्सपेंशन करने की कोशिश की तो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम पिस्टन का इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये जो स्वेप्ट वॉल्यूम आप देख रहे हो उससे ज़्यादा, कई टू टाइम थ्री टाइम ज़्यादा होता है ये डिस्प्लेसमेंट। मैं वापस बता रहा हूँ, होता क्या है कि ये जो आप देख रहे हो डायग्राम, दिस डायग्राम इज वेरी वेरी नेरो स्ट्रिप। सो टू अचीव द एटमोस्फेरिक प्रेशर, टू अचीव द सक्शन प्रेशर आफ्टर एक्सपेंशन, यू हैव टू डिस्प्लेस योर पिस्टन अप टू वेरी वेरी लार्ज लेंथ, अप टू वेरी वेरी लार्ज लेंथ टू अचीव द एटमोस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द आफ्टर द एक्सपेंशन। आफ्टर एक्सपेंशन के बाद एटमोस्फेरिक प्रेशर अचीव करने के लिए आपको अपने पिस्टन को, यू हैव टू डिस्प्लेस योर पिस्टन अप टू वेरी वेरी लोअर या अप टू वेरी वेरी लार्ज लेंथ। सो इन दैट केस योर सिलेंडर साइज विल बी वेरी वेरी हाई। सिलेंडर का जो साइज होगा इट विल बी वेरी वेरी लार्ज, एंड वेन द साइज इंक्रीज द वेट ऑल्सो इंक्रीज, एंड वेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ऑटोमोबिल्स, द वेट एंड द साइज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू सेलेक्ट एनी साइकिल। सो माई डियर फ्रेंड, वेन यू चूज अ एटकिंसन साइकिल इंस्टेंट ऑफ द ऑटो साइकिल, योर पिस्टन सिलेंडर इंजन साइज और द वेट बिकम वेरी वेरी लार्ज। सो ऑल्सो द नेटवर्क आउटपुट और नेटवर्क इंक्रीमेंट इज स्मॉल बिकॉज इट्स जस्ट अ स्ट्रिप। सो वॉट हैपन, द एरिया इंक्रीमेंट विल बी वेरी स्मॉल, एंड वेन यू सी द एक्चुअल साइकिल विल बी समथिंग लाइक दैट, तो एरिया इंक्रीमेंट विल बी वेरी वेरी स्मॉल। सो दैट नेटवर्क आउटपुट एडवांटेज विल नॉट बी सच दैट यू आर गोइंग टू वियर दिस
एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा वेट और एक्स्ट्रा साइज ऑफ दिस सिलेंडर एंड दैट्स व्हाई यू यूज अ ऑटो साइकिल इंस्टेंट ऑफ एटकिंसन साइकिल। यहां तक क्लियर है? इज दैट क्लियर और नॉट? सभी का क्लियर है ये? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? अरे बाबा, दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? अगेन आई हैव टू रिपीट। अरे बोल दो। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू, आई एम द किंग। चलिए नाउ, सो द एफिशिएंसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू, द एफिशिएंसी कैलकुलेशन विल बी सिंपल। हीट सप्लाई एट द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर, सो द नेट वर्क डन विल बी द डिफरेंस ऑफ हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्शन अपॉन हीट सप्लाई। सो एफिशिएंसी फॉर्मूला विल बी 1 माइनस गामा ऑफ T4 माइनस T1 अपॉन T3 माइनस T2। V1 V2 इज अ कंप्रेशन रेशियो, V1 V2 इज अ कंप्रेशन रेशियो, सो यू आर गोइंग टू राइट T2 इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, T3 अपॉन T2 और P3 अपॉन P2 ऑल्सो नोन एज प्रेशर रेशियो। यू कैन राइट द T3 ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ कंप्रेशन रेशियो, सो डेरिवेशन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। तो आफ्टर दैट यू गेट द फॉर्मूला ऑफ द थर्मल एफिशिएंसी, सो द थर्मल एफिशिएंसी फॉर्मूला यू हैव 1 माइनस गामा, Rp is nothing but a pressure ratio, 1 Rp that is pressure ratio minus 1 upon R की power gamma minus 1, okay, और you can write this formula like this also, 1 minus 1 upon R की power gamma minus 1 gamma Rp 1 upon gamma minus 1 upon Rp minus 1. सो द फॉर्मूला विल बी सिमिलरली लुक लाइक ऑफ कार्नोट साइकिल, जैसे 1 माइनस 1 अपॉन ऑटो साइकिल गामा माइनस 1 गामा एंड देन इट इज अ मल्टीप्लीकेशन आर पी 1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन आर पी माइनस 1। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द एटकिंसन साइकिल। तो एटकिंसन साइकिल की एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा। और आर पी क्या है? दैट इज अ प्रेशर रेशियो, आर पी इज अ प्रेशर रेशियो, दैट इज P3 upon P2, P3 upon P2 or T3 upon T2 will be the pressure ratio. So this is the formula of the Atkinson cycle efficiency. Last one is a linear cycle. So we discussed that linear cycle was the first one cycle जो कि पहली बार आई थी। तो इस cycle में कोई भी compression stroke नहीं था, इसके अंदर directly हम heat add करते हैं, then उसके बाद हमारा heat expansion होता है और उसके बाद heat rejection का process होता है। तो इन द लिनियर साइकिल इज द साइकिल विच पहली बार जो हमारा ऑटोमोबाइल बना था, पहली बार जो साइकिल हम लोगों ने डेवलप की थी वो लिनियर साइकिल ही थी। तो इसके जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है वो ये रहा, ठीक है। इसमें प्रोसेस याद करने की जरूरत थी, 1 माइनस गामा, एक तो आप T3 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1 कह सकते हो, और इसको आप मॉडिफाई करोगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस गामा, आर पी इज अ प्रेशर रेशियो 1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन आर पी माइनस 1। तो लिनियर साइकिल की एफिशिएंसी आप याद रख सकते हो, ये कई बार गेट में पूछा जा चुका है, 1 माइनस गामा आर पी 1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन आर पी माइनस 1। सिंपल है, 1 माइनस गामा आर पी की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन आर पी माइनस 1, दैट इज द लिनियर साइकिल एफिशिएंसी। सो लिनियर साइकिल वो थी जो पहली बार आई थी, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसको हम पल्स जेट इंजन में यूज़ करते हैं, टर्बो प्रॉप टर्बो जेट, जो एयरक्राफ्ट के अंदर हम इंजन यूज़ करते हैं, द इंजन वी आर यूजिंग इन द एयरक्राफ्ट वी यूज द लिनियर साइकिल। सो द लिनियर साइकिल विद द साइकिल इन विच वी हैव नो कंप्रेशन प्रोसेस, ओके, ओनली हीट एडिशन एक्सपेंशन एंड हीट रिजेक्शन, एंड एफिशिएंसी ऑफ द लिनियर साइकिल इज 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा आर पी की पावर 1 अपॉन गामा माइनस 1 अपॉन आर पी माइनस 1।
आरपी इज नोन एज अ प्रेशर रेशियो, दैट इज पी टू बाई पी वन. द प्रेशर राइज इन दिस केस इज पी टू बाई पी वन, दैट इज नोन एज अ प्रेशर रेशियो. ओनली वन रेशियो इज देयर, ओनली प्रेशर रेशियो इन द लीनियर साइकिल. सो यू कैन राइट द एफिशियंसी ऑफ द लीनियर साइकिल. नाउ कम अप विद द क्वेश्चंस व्हिच आस्क इन द गेट एग्जामिनेशन. अ स्टिलिंग साइकिल एंड द कार्नोट साइकिल ऑपरेट बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस एंड द 350 डिग्री सेल्सियस. देयर एफिशियंसीज आर स्टिलिंग एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. सबसे पहली बात तो दोनों की एफिशियंसी क्या होती है, सेम होती है. भाई क्या होगा, स्टिलिंग साइकिल और कार्नोट साइकिल की एफिशियंसी क्या होगा भाई, अरे सेम होती ना. अगर यहाँ पर रीजनरेशन नहीं दिया परफेक्ट तो अज्यूम ही करना है कि परफेक्ट रीजनरेशन है, एफिशिएंसी दोनों की सेम होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टू रिवर्सिबल आइसोबारिक प्रोसेस इज नोन एज. गेट 1996 क्या होगा इसका आंसर, वो साइकिल जिसमें दो आइसोथर्मल होते हैं और दो आइसोबारिक प्रोसेस है, टू आइसोबारिक. व्हाट इज द आंसर, टू आइसोथर्मल एंड टू आइसोबारिक प्रोसेस किस साइकिल में होते हैं बताइए, ए बी सी डी. This cycle has अरे बोलो, अरे बताओ भाई दो साइकिल कौन कौन से होते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल और रिवर्सिबल आइसोबारिक किस में होते हैं. अरे भूल गए बाबा, टेबल बनाओगे यहां पर मैं आपके लिए, टेबल बनाओ, भूल गए यार, यही तो पूछेगा गेट में, ऐसे थोड़ी होता है. चलो मैं टेबल बनाता हूं. सबसे पहले कौन सी यूज की थी तुमने, सबसे पहले कौन सी साइकिल पड़ी है, सबसे पहले कौन सी साइकिल पड़ी थी, अरे बोलो यार, दही जमा लिया सब लोगों ने. सबसे पहले कौन सी साइकिल पड़ी थी, स्टिलिंग. सो स्टिलिंग प्रोसेस, स्टिलिंग साइकिल में क्या होता था, ये मॉडिफाइड वर्जन है कार्नोट साइकिल का, तो इसके अंदर दो तो आइसोथर्मल होते थे, नहीं होते थे आपके, तो आइसोथर्मल एंड टू कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. फिर हमने कौन सी पढ़ी थी, इरिक्सन, उसमें भी दो आइसोथर्मल थे हमारे पास, एंड एडियाबेटिक की जगह क्या हो गया, टू कॉन्स्टेंट प्रेशर. यस ओ नो. उसके बाद कौन सी थी, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद आपने एटकिंसन साइकिल पढ़ा, सो एटकिंसन साइकिल किसका मॉडिफाइड वर्जन है, ओटो साइकिल का, तो इसमें क्या होगा, टू आइसेंट्रोपिक, वन कांस्टेंट वॉल्यूम और वन होगा कांस्टेंट प्रेशर, दैट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एटकिंसन. और लास्ट हमने पढ़ा था लिनियर साइकिल, यस गुड, लिनियर साइकिल जिसके अंदर तो तीन ही प्रोसेस है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम
हीट एडिशन कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एंड आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन। और लास्ट वन कार्नोट भी लिखी लेते हैं। लास्ट वन क्या था? कार्नोट टू आइसोथर्मल टू आइसेंट्रोपिक। इज दैट क्लियर? ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, सो आंसर क्या आएगा इसका? इरिक्सन। आंसर विल बी डी। आंसर विल बी डी। आंसर क्या आएगा इसका? इरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैस टर्बाइन साइकिल विद इनफाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन एक्सपेंशन लीड टू। इसका आंसर क्या आएगा? अ गैस टर्बाइन साइकिल विद इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन लीड्स टू। किस साइकिल की तरफ चलती है भैया? आंसर बताओ। गैस टर्बाइन साइकिल विद इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस ड्यूरिंग कंप्रेशन एक्सपेंशन लीड्स टू। बोलो भाई, क्या हो रखा है यार? क्या होगा आंसर? व्हाट इज द आंसर? अरे कोई तो दे दो। डी। ब्रिटन साइकिल। एनी अदर स्टूडेंट हैज गुड आंसर? भाई इनफाइनाइट लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस ऑफ इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग लीड्स टू द इरिक्सन साइकिल ना। कितनी बार इसको गला फाड़ फाड़ के बताया मैंने, इरिक्सन साइकिल विल हैव अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरकूलिंग एंड रीहीटिंग स्टेजेस, देन योर ब्रिटन साइकिल बिकम द इरिक्सन साइकिल एंड दैट्स व्हाई यू ट्राई टू अप्रोच द इरिक्सन साइकिल। सो व्हेन द इंटरकूलिंग स्टेजेस विल बी इनफाइनाइट, देन योर साइकिल विल बी इरिक्सन साइकिल। व्हाट डज द रिवर्स आइडियल स्टीलिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ? नो राज, अभी थ्योरी पढ़ के फिर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। वी जस्ट कंप्लीट अवर थ्योरी एंड नाउ वी आर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। वी आर शेयरिंग सीइंग व्हाट क्वेश्चन रिलेटेड टू द थ्योरी। तो ऐसा नहीं है भाई, इसमें केवल थ्योरी है, मॉक टेस्ट होता है। यहाँ पर पहले थ्योरी होती है, उसके बाद क्वेश्चंस होते हैं। ओके चलिए, व्हाट डज द रिवर्स स्टीलिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ? रिवर्स स्टीलिंग साइकिल में क्या क्या होता है? व्हाट इज द रिवर्स स्टीलिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ? प्लीज गिव द आंसर, प्लीज गिव द आंसर अरविंद। व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज दस द रिवर्स स्टीलिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ? IAS 2005 का क्वेश्चन है। अरे टेबल देखो, टेबल यार।
इतना टाइम कैसे लग रहा है भाई? अच्छा अरे यार भाई, दो आइसो थर्मल, दो आइसो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को आइसोथोरिक कोरिक कहते हैं। आइसोथोरिक मतलब आई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आइसोकोरिक मीन्स अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सो टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड टू आइसोकोरिक प्रोसेस। स्टिलिंग साइकिल टू आइसोथर्मल एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम। एरिक्सन साइकिल टू आइसोथर्मल टू कांस्टेंट प्रेशर। एटकिंसन साइकिल टू आइसेंट्रॉपिक वन कांस्टेंट वॉल्यूम वन कांस्टेंट प्रेशर। लिनियर साइकिल वन कांस्टेंट वॉल्यूम वन कांस्टेंट प्रेशर एंड वन आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन। कार्नोट साइकिल टू आइसोथर्मल और टू आइसेंट्रॉपिक। आई कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऑल्सो नोन एज आइसोकोरिक आइसोमेट्रिक आइसो आइसोकोरिक आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक और कांस्टेंट वॉल्यूम एक ही बात है। सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर ऑल्सो नोन एज आइसोपाइस्टिक। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऑल्सो नोन एज आइसो। सो डोंट कंफ्यूज बाय द नेम, आंसर इज बी। स्टीलिंग साइकिल हैज टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस टू आइसोकोरिक प्रोसेस। नेक्स्ट, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर टॉपिक, सो दैट्स जस्ट कैंसिल। विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड टू रिवर्सिबल आइसोबारिक। टू रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड टू रिवर्सिबल आइसोबारिक। या ही कैन यूज एनी वन ऑफ दिस, ही कैन यूज एनी वन ऑफ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सी इज द आंसर। टू रिवर्सिबल आइसो थर्मल एंड टू रिवर्सिबल आइसो बारिक इज नोन एज अ एरिक्सन साइकिल। वेरी गुड, यस वेरी गुड। नेक्स्ट, ब्रेटन साइकिल विद इनफाइनाइट रीहीटिंग एंड अभी बोला था मैंने वापस से क्या होता है एरिक्सन साइकिल। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। द ब्रेटन साइकिल विद इनफाइनाइट इंटरकूलिंग एंड इनफाइनाइट रीहीटिंग स्टेजेस नोन एज अ एरिक्सन साइकिल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा किसकी है ये बता दीजिए बस। ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। स्टिलिंग, डीजल, ओटो और एटकिंसन, विच वन इज विच? स्टिलिंग, डीजल, ओटो एंड एटकिंसन, व्हाट इज द आंसर? चूज इट। बी, यस बी विल बी द करेक्ट आंसर। अरे यार बहुत सिंपल है। स्टीलिंग साइकिल में क्या होता है, दो कांस्टेंट वॉल्यूम और दो आइसोथर्मल। तो ये रहा होगा पहला, तो
पहला आंसर का ही आंसर निकल जाएगा। तो वैसे भी डीजल साइकिल में क्या होता है, डीजल साइकिल में एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, दो आइसेंट्रॉपिक होते हैं, तो एडियाबेटिक हो गया, तो डीजल साइकिल विल बी 3। ऑटो साइकिल में क्या होता है, दो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस और दो आपका एडियाबेटिक, तो ये आपका ऑटो साइकिल हो गया। एटकिंसन साइकिल में क्या होता है, आपका आइसेंट्रॉपिक, फिर आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर आपका आइसेंट्रॉपिक एक्सपेंशन, बट हीट रिजेक्शन विल बी कांस्टेंट प्रेशर। तो आंसर क्या आ गया, डायरेक्टली बी आ गया ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस। नेक्स्ट, टू आइसोथर्मल टू एडियाबेटिक टू साइकिल चूज करके आंसर बताइए इसका। अरे बताओ भाई आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। ए इसका ए होगा। नो नो बेटा, ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी, देखो यार सीधी सी बात है, दो आइसोथर्मल और दो एडियाबेटिक किस साइकिल में होते हैं, कार्नोट साइकिल में। ओके तो ए का क्या आएगा, आपका 3 आएगा, तो या तो सी होगा या डी होगा। फिर हमारा क्या होता है, टू आइसोथर्मल और टू कांस्टेंट वॉल्यूम किस साइकिल में होते हैं, स्टिलिंग साइकिल में, दैट इज बी का 4 आएगा, तो 3 और 4। सिमिलरली टू एडियाबेटिक एंड टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस किस में होते हैं, ऑटो साइकिल में, तो इसका मतलब ये 1 आएगा। फिर आपका आएगा टू एडियाबेटिक एंड टू कांस्टेंट प्रेशर, वो होते हैं आपके जूल साइकिल में, जिसको ब्रिटन साइकिल भी कहते हो। आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द आईएएस एग्जाम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एयर स्टैंडर्ड साइकिल हैज सेम एफिशिएंसी एज द कार्नोट साइकिल व्हेन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर टुगेदर विद द आइडियल रीजनरेशन। किस साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट के बराबर होती है व्हेन दे विल वर्क बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट विद द रीजनरेशन। फटाफट आंसर आना चाहिए। अबे अरविंद बी कैसे बता सकता है, अरे यार गला फाड़ पड़ के चल रहा है, कैसे बता सकते बी। अरे अभी बोला ना, इरिक्सन साइकिल और स्टीलिंग साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट के बराबर होती है, ड्राइव भी करके बताया, इरिक्सन साइकिल और स्टीलिंग साइकिल की एफिशिएंसी कार्नोट के बराबर होती है व्हेन यू आर यूजिंग अ परफेक्ट रीजनरेशन। ये यहां पर ये क्या बताया, देखो इधर ये क्या निकाल के बताया मैंने, ये यहां देखो ये क्या निकाला है, ये एफिशिएंसी कार्नोट के बराबर आई है, ये वाली एफिशिएंसी भी कार्नोट के बराबर आई स्टीलिंग साइकिल, ये देखो। सो एफिशिएंसी ऑफ द स्टीलिंग साइकिल एंड द कार्नोट इरिक्सन साइकिल विल बी सेम व्हेन यू आर यूजिंग अ परफेक्ट रीजनरेशन, तो आंसर इज सी। ये तो बहुत आराम से आ जाना चाहिए था यार, गलती क्यों कर रहे हो इसमें। नेक्स्ट,
पल्स जेट इंजन ऑपरेटिंग ऑपरेशन कैन बी आइडलाइज अप्रोक्सीमेटली फॉलो विच ऑफ द साइकिल, पल्स जेट इंजन कौन सी साइकिल फॉलो करता है, पल्स जेट इंजन जो एरोप्लेन में यूज होते हैं वो कौन सी साइकिल फॉलो करते हैं, व्हाट साइकिल दे आर गोइंग टू, या व्हाट साइकिल दे यूज, सो पहले सोचो फिर आंसर दो कौन सी साइकिल यूज करते हैं। सी यस दे यूज आर लिन्योर साइकिल, यस मैंने बताया था अभी लिन्योर साइकिल पल्स जेट इंजन में यूज की जाती है, सो दे यूज आर लिन्योर साइकिल, सो पल्स जेट इंजन एक्चुअली यूज आर लिन्योर साइकिल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, इसकी पीडीएफ अभी आपको मिल जाएगी थोड़ी देर बाद टेलीग्राम चैनल पे, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए यार ये वाले लेक्चर, या देर इज नो कंप्रेशन, ये वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि देखिए कोई इसको पढ़ाएगा नहीं आपको और क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो हर चीज़ मैंने इसके अंदर बता दी आपको, आइडलाइज क्यों होता है क्या होता है, तो आप इसको पढ़िए ढंग से आराम से, कोई दिक्कत आए तो मुझसे पूछिए। ओके एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टू गेट द पीडीएफ ऑफ दिस क्लासेस, जितनी भी मेरी क्लासेस हो रही है उसकी सबकी पीडीएफ आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुकी है, तो इस क्लास की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑन दिस चैनल, तो यू कैन चैनल दिस चैनल, तो सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन, और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि अपना अप्रोच ज़्यादा ज़्यादा बढ़े, लोगों तक पहुँचे कि अपन क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्री कंटेंट अपन यहाँ पर सभी को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो सबको पता चलना चाहिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास, वी मीट टुमारो एट द सेम टाइम सेम प्लेस, कल हम लोग टेस्टिंग पढ़ेंगे, टेस्टिंग में मोर टेस्ट